खाद में मिलावट कर कालाबाजारी करने वाले तीन आरोपियों को देहात पुलिस ने किया गिरफ्तार। खाद के कट्टे भी जब्त, पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई। जिले की देहात पुलिस और कृषि विभाग ने खाद में मिलावट कर कालाबाजारी करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की है। देहात थाना प्रभारी जितेंद्र मावई ने बताया कि 14 सितंबर को 10 बजे हवाई पट्टी के पीछे नर्सरी लुधावली थाना देहात शिवपुरी पर वाहन क्रमांक MP33G2110 वाहन चालक शिवनंदन पुत्र जालिम सिंह कुशवाहा उम्र 32 साल निवासी टोंगरा थाना सिरसोद के वाहन में 48 कट्टे भरे हुए दाप उर्वरक चंबल फर्टिलाइजर एंड कंपनी लिमिटेड गड़ीपान कोटा राजस्थान के पकड़े गए हैं और 99 कट्टे खेतान कंपनी के फटे हुए पकड़े गए हैं। वाहन क्रमांक MP33G2028 वाहन चालक गोविंद सिंह कुशवाहा पुत्र अंतर सिंह उम्र 22 साल निवासी फतेहपुर थाना कोतवाली और सोनू धाकड़ पुत्र राम अवतार सिंह उम्र 26 साल निवासी नया गांव सुभाषपुरा के वाहन में 42 कट्टे दाप उर्वरक चंबल फर्टिलाइजर एंड कंपनी लिमिटेड गड़ेपान कोटा राजस्थान के पकड़े गए हैं। उक्त वाहन चालक से मौके पर DAP उर्वरक के संबंध में पूछताछ की। उर्वरक कहां से लाए हैं और कहां ले जा रहे थे, बिल्टी चालक लाइसेंस को दिखाने के लिए कहां गया जो इसके पास नहीं है। उक्त वाहनों में लोडेड उर्वरक के वाहन सहित जब्त किया गया है। जब्त उर्वरक से सैंपल लिए गए हैं जिन्हें निरीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। उक्त तीनों आरोपी गण द्वारा उर्वरक का अवैध रूप से परिवहन और कालाबाजारी किया जाना पाए जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(7) और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 का उल्लंघन किया जाना पाए जाने पर आरोपी गणों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया।